हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम भावना और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, उसको रिव्यू वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि मार्केट्स बंद हैं, लॉकडाउन है, तो मुझे चाहिए थे फेक नेल्स जो कि मैंने ऑर्डर करे मीशो से। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें एंड कमेंट करें। और प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, और अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फेक नेल्स। मैं इसमें पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ कि हमें नेल्स को कैसे अप्लाई करेंगे। पार्लर्स बंद पड़े हैं, नेल एक्सटेंशन नहीं करा सकते, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको ही नेल एक्सटेंशन को यूज़ कर घर पर ही लगाती हूँ इस बार नेल्स। तो ये मैंने ऑर्डर करे है मीशो से, और मुझे ये इनका प्राइस मुझे पड़ा है अंडर 160 रुपीज़, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस है। और इतने प्राइस में कैसा रहता है, लगाने के बाद इसका लुक कैसा आता है, और ये अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये जो नेल्स होते हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं, और डेली यूज़ में मैं इतने बड़े नेल्स में मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगते हैं। तो सबसे पहले इनकी क्वालिटी तभी पता लग जाएगी, क्योंकि नॉर्मली मैं जो नेल्स मैंने अभी तक एक्सटेंशन कराया है, जब भी वो उनकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं रख पाती मैं। और अगर मैंने ऐसे फेक नेल्स भी मार्केट से बाय करे हैं, तो हमेशा अगर अच्छी क्वालिटी के नेल्स होते हैं तो हम उनको कट करके नेल फाइनल से उसको शेप दे सकते हैं, तो उसे पता लग जाता है कि नेल्स की क्वालिटी कैसी है। और आज भी मैं यही करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप देख लो कि इसके अंदर कितने सारे नेल्स हैं, तो 170 अंडर हमें ये काफ़ी अच्छे, मतलब बहुत सारे नेल्स मिल रहे हैं। और हम इनको सबसे पहले अपने हैंड्स के अकॉर्डिंगली साइज में हम निकाल लेंगे, और उनके बाद हमें कितनी इनकी लेंथ छोटी करनी है उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ नेल्स। अप्लाई करने वाली हूँ वो अपने राइट हैंड के थ्रू अप्लाई करने वाली हूँ। और ये रहे नेल्स, और मैंने निकाल लिए हैं ये अकॉर्डिंग टू साइज। तो फिर दिखाती हूँ मैं, ये वाला निकाला है थंब के लिए, और फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड देन रिंग फिंगर। ये मैंने नेल्स यहाँ पर निकाल लिए हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं साइज में है काफी ज्यादा बड़े, और मुझे इतने बड़े नेल्स अप्लाई नहीं करने। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इनको कट, और फिर इनको दे देते हैं शेप। और यहाँ पर मैंने नेल्स ले लिए हैं, और इनको अकॉर्डिंग टू साइज़, जितना साइज़ मुझे नेल्स का रखना था, क्योंकि मुझे डेली यूज़ में वेयर करने थे और मुझे ज़्यादा लंबा साइज़ नहीं रखना था, तो मैंने अकॉर्डिंग टू लेंथ, जितनी लेंथ रखनी थी कट कर लिए। कट करने के बाद उनको शेप दे दी, और कट करने के बाद ये नेल्स बिल्कुल भी नहीं टूटे, और इनको शेप दी मैंने अच्छे से। थोड़ा टाइम लगेगा अगर आप प्रोसेस अच्छे से करेंगे वन बाय वन, तो ये बिल्कुल भी फेक नेल्स नहीं लगने वाले, आपके रियल नेल्स लगेंगे। और यहाँ पर मैंने इसको नेल कटर से कट कर लिया, और ये प्रोसेस मैंने सारे नेल्स में किया था, इनको सबको जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी कट करके, और मैंने शेप दे दी थी। और क्योंकि इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, तो आप इसको शेप भी अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अपनी फिंगर्स को नेल फाइलर के थ्रू अनइवन कर लूँगी थोड़ा सा, जिससे कि जब हम नेल अप्लाई करें तो वो इजीली यहाँ पर अप्लाई हो जाए। और ये प्रोसेस आपको अपने सब नेल्स पर करना है, जो आप जिस हाथ पर भी आपको नेल्स लगाने हैं, अगर आपको दोनों हैंड्स में अप्लाई करने हैं तो ये प्रोसेस आपको दोनों हैंड्स में नेल्स पर करना होगा, और इनको आपको काफ़ी अच्छे से करना होगा। अगर आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपके नेल्स काफ़ी टाइम तक स्टिक रहेंगे, और दूसरा कि ये जो लगेंगे ये फेक नेल्स नहीं लगेंगे, एक हद तक रियल नेल्स लगेंगे। और ये यहाँ पर मैंने कर लिया अपने सब नेल्स पर, और इसके बाद मैं इसको कॉटन से थोड़ा क्लीन कर लूँगी।
और अब इसके थ्रू मैं थोड़ी सी नेल्स की स्किन ऊपर कर दूंगी ताकि जब मैं नेल्स अप्लाई करूँ तो वो बिल्कुल एजेस से लगे अंदर से। और ये प्रोसेस भी मैं अपनी सारी फिंगर्स पर करूँगी और थंब पर। और ये प्रोसेस पूरा होने के बाद हम अप्लाई करने वाले हैं नेल्स। और ये प्रोसेस भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया। देन हम यहाँ पर लेंगे नेल ग्लू। नेल ग्लू इसके साथ नहीं आई थी, वो मेरे पास ऑलरेडी थी, तो मैंने यहाँ पर नेल ग्लू ले ली है। और यहाँ पर ये मैं नेल्स स्टिक कर लूँगी। मैंने पहले ही अपने अकॉर्डिंग टू फिंगर्स ये निकाल लिए थे। और अगर आपको शेप जिस भी टाइप की लेनी है आप यहाँ पर शेप कर सकते हैं। और ऐसे करके मैं अपनी हर फिंगर पर अप्लाई कर लूँगी नेल्स को। और ये जस्ट आपको एक डॉट डालनी है। और ये वाली जो ग्लू है ये मैंने नेल एक्सटेंशन एक बार जहाँ से कराया था ये मैंने वहीं से बाय की थी। और मुझे प्राइस याद नहीं है कितने की ली थी, बट ये मैंने वहीं से ली थी। और ये काफ़ी अच्छे से मतलब नेल्स इस पे स्टिक हो जाते हैं। अगर मैं ये घर में भी करती हूँ ना तो ऑलमोस्ट वीक तक तो ये इजीली चलते ही है। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सेम ग्लू के साथ आप इसको अगेन अप्लाई कर सकते हैं। और ये विद इन अ सेकेंड स्टिक हो जाते हैं, तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये इसकी पोजीशन ठीक हो, टेढ़े ना लगें। और ये सारे नेल्स अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी नेल पॉलिश। आप चाहें तो इस पर नेल आर्ट भी कर सकते हैं, बट मुझे अभी कहीं नहीं जाना तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर सिंपल नेल पॉलिश अप्लाई कर लूँगी। गाइज ये मेरा नेल एक्सटेंशन हुआ पूरा। और जो इस पे थोड़ी सी नेल पेंट एक्स्ट्रा लग गई है या साइड में लग गई है वो आप नेल रिमूवर से रिमूव कर सकते हो। और अगर आप नेल एक्सटेंशन को बहुत प्रॉपरली लगाएंगे उसको,
तो ये अच्छे भी लगेंगे, आर्टिफिशियल नहीं लगेंगे और ये काफी अच्छा लुक देंगे। और मैंने साइज में इनको काफी छोटा इसीलिए कर लिया कि ये रियल जैसा लुक दे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें। और इसका लिंक, मैं जो कोड है, आपको पता ही है कि मीशो में कोड होता है, तो मैं इसका कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसको देखकर बाय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।